भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नगर निगम प्रांगण में एक विशाल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में आगरा के कई सरकारी विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कैंप का शुभारंभ आगरा के सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने किया। उन्होंने बताया कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कई विभागों में जाना पड़ता है, ऐसे में नगर निगम परिसर में इस विशाल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें एक ही छत के नीचे लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से संबंधित समाज कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों ने लोगों की समस्या सुनी, जिसमें विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन योजना के साथ आवास योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड व अन्य कई योजनाओं का लाभ लोगों को दिया गया। हालांकि नगर निगम में लगाए गए इस कैंप में आने वाले तमाम लोगों ने बताया कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, उन्हें एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर भेज दिया गया। ऐसे कैंप का क्या फ़ायदा जब लोगों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं कैंप में लगाए गए काउंटर पर लोगों की काफ़ी भीड़ दिखाई दी। लोगों का कहना था कि यह कैंप एक दिन नहीं बल्कि रोजाना लगना चाहिए, जिससे समस्याएं जल्द निस्तारित हो सकें। सम्मान योजना, कृषि सम्मान योजना का ऑनलाइन आवेदन आपकी साइट आपको समाज कल्याण। आज नगर निगम के प्रांगण में एक ही दिन एक ही स्थान पर एक ही छत के नीचे लगभग 200 योजनाओं के लिए हम लोगों ने यहाँ कैंप लगाया है, जिसमें विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री शहरी आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड में संशोधन, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि और ये जो स्वनिधि योजना वेंडर्स की है इस प्रकार की, और सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जिला समाज कल्याण की एवं लेबर डिपार्टमेंट की, इन तमाम योजनाओं का के पात्र अभ्यर्थियों का यही मौके पर आवेदन कर रहे हैं और यहीं पर समाधान कर रहे हैं। यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति होगा तो मौके पर ही उसका प्रमाण पत्र भी बनाएंगे और आवेदन भी कराएंगे और यहीं पर स्वीकृत भी करा देंगे। यहाँ मौके पर आय प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। दिक्कत ये है कि वृद्धा पेंशन के लिए आए हम, वृद्धा पेंशन के लिए आए हैं तो उन्होंने बोला है कि आप जो है ना पहले आय प्रमाण पत्र बनवाओ। अब हम जो इस वक्त जो है हमारी 72 साल की उम्र है तो आमदनी क्या कमा कर सकते, हाथ पैर टेढ़े हुए क्या आमदनी कमा सकते हैं। फायदेमंद है ये कैंप लगाया, नहीं कैंप तो लगाए लेकिन वो कह रहे हैं आमदनी सर्टिफिकेट बनवाओ आप, तो आमदनी क्या दर्शाए उनको, मदद नहीं मिली। नहीं अभी क्या है जो कहते हैं कि आप मतलब जो पहले आमदनी सर्टिफिकेट बनवाओ तो आमदनी में क्या लिखाना पड़ेगा, क्या लिखाना पड़ेगा ये भी तो पता पड़े। 2012 से ढोल रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ना आवास है ना पेंशन है ना कोई कुछ भी नहीं। पेंसिल के लिए क्या हुआ कैंप में? बस ने बताया मैंने तो जा कह रहे वहाँ चली जाओ वहाँ चली जाओ, घूम ही रहे मैं तो वहाँ। फायदा हुआ कैंप पे आने का? बच्चों ना डोल रहे हैं भैया, भूखे प्यासे बच्चे रो रहे हैं। इसलिए आई थी अब क्या समस्या? पेंसिल के लिए। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।